हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एक वीडियो कंप्लीट किए हैं। उसमें हमने आपको जो है सिलेबस बताया है और कुछ उसके इंट्रोडक्शन भी दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। स्टूडेंट्स, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? अभियांत्रिकी की वह शाखा जो इलेक्ट्रॉन के मोशन का अध्ययन कराती है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। हमने आपको जो है तीन एलिमेंट्स बताए थे, जैसे कि वैक्यूम डायोड है, उसका जो है डिस्कवर किसने किया था? तो जॉन अब्राहम फ्लेमिंग ने किया था। और जो वैक्यूम ट्रायोड है स्टूडेंट्स, वो हमने बताया था आपको ली डी फॉरेस्ट ने किया था। और ट्रांजिस्टर जो है बार्डेन और ब्रेटिन और विलियम सॉकले ने जो है उनका डिस्कवर किया था। और स्टूडेंट जो है विलियम सॉकले को ही जो है फादर ऑफ सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। और जो है वैक्यूम ट्रायोड जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है? फर्स्ट एम्पलीफाइंग डिवाइस है। तो यहाँ तक जो है हमने अपना लेक्चर जो है किया था। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो यहाँ पर टॉपिक डालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा आवेश वाहकों की औसत चाल। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ये जो है वर्ड्स आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा आवेश वाहकों की औसत चाल। यहाँ लिखते हैं आवेश, आवेश वाहकों की औसत चाल। क्या स्टूडेंट्स? औसत औसत चाल, उसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम मैथमेटिकली स्टूडेंट जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम VD से दिखा सकते हैं, VD बराबर वी मैक्स प्लस वी मिनिमम जो है बोल सकते हैं आप, अपॉन टू। इसका स्टूडेंट जो है SI यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या है? मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर, ये सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आएगा। इसको जानने के लिए आप एक जो है ये टर्म याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो आवेश वाहकों की औसत चाल होती है उसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फील्ड ग्रेडियंट कैसे कहते हैं। तो ग्रेडियंट शब्द क्या है? एक आप समझिए, ग्रेडियंट शब्द जो है चेंज या परिवर्तन करता है लंबाई में या दूरी, ऐसे समझिए। ग्रेडियंट मतलब कुछ चेंज कर रहा है आपके जो है, यहाँ या लंबाई से करेगा या फिर क्या, लंबाई से करेगा या फिर जो है डिस्टेंस से करेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो है फील्ड, इसे एक नाम से और कहते हैं फील्ड ग्रेडियंट, फील्ड ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट चलिए इसको देखते हैं ये होता क्या है। तो ग्रेडियंट को हमने जैसा कि आपको बताया है क्या लिख सकते हैं, जैसे चेंज चेंज कर सकते हैं या लंबाई में या फिर दूरी में। तो इसका जो है हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि इसे क्या होता है, E बराबर dV बाई dl। जैसा कि आप देख रहे हैं l से जो है ये चेंज हो रहा है। तो इसको स्टूडेंट्स जो है अगर इसके साइन यूनिट हम देखना चाहें तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये लेंथ है, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों को जो है अब हम रिलेट करके आपको बताते हैं कि मोबिबिलिटी क्या होता है। ये शब्द आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है स्टूडेंट्स कई जगह देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं मोबिबिलिटी क्या होता है। हम आपको जो है ये टर्म पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेमी कंडक्टर डायोड से हम स्टार्ट कर देंगे तो आपको जो है ये टर्म आएंगे बाद में, तो आप जो है रिलेट नहीं कर पाओगे कि ये आया कहाँ से। देखते हैं मोबिबिलिटी होता क्या है। यहाँ देखिए मोबिलिटी,
मूवेबिलिटी क्वेश्चन जो है हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता, गति गतिशीलता। गतिशीलता तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। ये मूवेबिलिटी के टर्म से ही लग रहा है कि मतलब मूविंग प्लस एबिलिटी, क्या लिख सकते हैं हम इसको, मूविंग मूविंग प्लस एबिलिटी। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि मूविंग मतलब क्या है, गति, जो गति में क्या है, मूविंग मतलब जो गति गति हो, एबिलिटी मतलब क्या होता है, सामर्थ्य, सामर्थ्य बोल सकते हैं, जो सक्षम हो एक प्रकार से, सामर्थ्य, सामर्थ्य स्टूडेंट जो है हम कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे जो है डिफाइन करेंगे, मतलब मूविंग एबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, मूविंग एबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। तो यहाँ चलिए लिखते हैं मूविंग मूविंग एबिलिटी एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मूविंग एबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। तो इसको हम स्टूडेंट जो है मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मोबिलिटी, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, बराबर वीडी, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ये क्या है, फील्ड ग्रेडियंट ई। अब ई हमने आपको यहाँ पढ़ाया है फील्ड ग्रेडियंट, और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर हम इसकी जो है एसआई यूनिट रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या था, वोल्ट पर मीटर। तो अगर हम इसको जो है स्टूडेंट्स ऊपर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपको नहीं आता होगा ये तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद जो है वी बाई एस लिख लीजिए, इस एस को इस एस यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये मीटर था, सॉरी ये मीटर था, तो इसको जो है यहाँ पे भेज दीजिए ऊपर वाले में, और ये जो नीचे वाला है इसको यहाँ भेज दीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं, अगर हम इसको यहाँ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये अगर ये वी यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी डॉट एस। स्टूडेंट्स ये जो है आपका इसका ऐसा यूनिट निकल के आया, आई होप आपको ये मोबिलिटी समझ में आया होगा। मोबिलिटी मतलब क्या है, मूविंग एबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, आई होप आपको स्टूडेंट्स ये समझ में। इसके बाद स्टूडेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये होता क्या है, तो कंडक्टिविटी मतलब है चालकता। तो चलिए हम देखते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, चालकता जो है होती क्या है, चलिए देखते हैं इसको। चालकता स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग एबिलिटी, देखते हैं स्टूडेंट जो है चालकता होती क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं करंट कैरिंग एबिलिटी, क्या लिख सकते हैं, करंट कैरिंग एबिलिटी, करंट कि जो करंट को कैरी करता है उसकी एबिलिटी जो है, एबिलिटी उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी स्टूडेंट जो है कह सकते हैं। अगर हम इसको हिंदी में देखना चाहें तो धारा के प्रवाहित कराने का सामर्थ्य, यहाँ लिख सकते हैं धारा, धारा को प्रवाहित, धारा को प्रवाहित कराने का, कराने का सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, चालकता कहलाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसी का जो है ये कंडक्टिव, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। मतलब आप लिख सकते हैं कि ऐसे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये क्या होता है, वन अपान ये रेजिस्टिविटी होता है स्टूडेंट्स, इसको हम आप प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी है आपका ये रो, रेजिस्टिविटी। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये समझ आया कंडक्टिविटी क्या होता है। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है हम आप जानते हैं कि जो प्रतिरोध जो है इसमें हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध का, तो बताते हैं रेजिस्टिविटी जो है आपका आता कहाँ से, इसका ऐसा यूनिट क्या है। तो स्टूडेंट जो है आप प्रतिरोध जानते हैं आर बराबर रो एल बाई ए, तो ये स्टूडेंट जो आपका रो है यही आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो ये देखिए वन अपान रो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स अगर हम ये रो को एक तरफ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम रो को इस तरफ लेते हैं तो ये आपका ए इधर चला जाएगा, मतलब आर इंटू ए अपान एल, आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है तो ये ओम हो जाएगा, एरिया क्या है ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
लेंथ क्या है मीटर, और एक मीटर से मीटर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। ये स्टूडेंट जो है आपका ओम मीटर जो है ये आपका क्या है रजिस्टिविटी का साइनोट है। इसी को बताने के लिए हम आपको जो है रजिस्टेंस का एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये रजिस्टिविटी जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में काफ़ी बेसिक है, ये आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है हम लिखते हैं, जैसे एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट्स और एक जो है पैसिव कंपोनेंट्स। तो चलिए देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, कई जगह आपको मिलेंगे। तो ये देखिए एक्टिव कंपोनेंट्स, ये क्या है पैसिव कंपोनेंट्स। तो चलिए देखते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है। एक्टिव कंपोनेंट्स मतलब ऐसा कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रोसेस करें या एम्पलीफाई करा सकते हैं, ये प्रोसेस कर सकता है या फिर एम्पलीफाई करा सकता है, उसे क्या बोलेंगे एक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऐसा कंपोनेंट, या फिर लिख सकते हैं ऐसा कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस या फिर एम्पलीफाई करा सकता है, इसे क्या बोलेंगे एक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे। और ये सिर्फ क्या है, इसमें जो है आपका सेमीकंडक्टर भी, ऐसा सिर्फ सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, मतलब ये जो है सेमीकंडक्टर में भी आ जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर आपका जो है अभी ये आपका पहला ही टॉपिक है। ये क्या है, ये एक्टिव कंपोनेंट जो है सेमीकंडक्टर के अंदर भी आ जाएंगे, मतलब ये सेमीकंडक्टर जो है एक्टिव कंपोनेंट के अंदर आएगा। सॉरी, तो इसके बाद स्टूडेंट जो है हम देखते हैं कि ये पैसिव कंपोनेंट क्या है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है या फिर प्रोसेस कर रहा है, ये उस काम को नहीं कर सकता है। तो ये आप शॉर्टली समझ लिए कि ये उस काम को नहीं कर सकता है। आप लिख सकते हैं ये इस काम को, यही डिफिनेशन आपको रिपीट करना है, यहाँ पे जो है कर सकता है, यहाँ पे जो है नहीं कर सकता है, पैसिव में इस काम को नहीं करा सकता है। स्टूडेंट्स अब आपको इसका एग्जांपल भी जानना काफ़ी आवश्यक है, तो चलिए इसके एग्जांपल को हम देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसके एग्जांपल को देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के। यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को जो है देखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने बताया था एक्टिव कंपोनेंट्स है और जो है पैसिव कंपोनेंट्स हैं, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करे या फिर प्रोसेस करे उसे एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। यहाँ लिखते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। यहाँ देखते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स में स्टूडेंट जो है आपके ट्यूब डिवाइस आते हैं। ट्यूब डिवाइस मतलब क्या, ट्यूब डिवाइस के अंदर जो है स्टूडेंट्स आपका जो है डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, यही सब स्टूडेंट जो है आपके ट्यूब डिवाइस बोले जाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं डायोड, बताएंगे डायोड क्या होता है अभी, ट्रायोड, पेंटोड और जो है स्टूडेंट्स आपका जो है टेट्रोड ये जो है का टेट्रोड। इसके बाद स्टूडेंट जो है हमने आपको बताया था कि सेमी कंडक्टर डिवाइस भी इसी में आ जाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइस, सेमी कंडक्टर डिवाइस भी इसी में आ जाते हैं। तो सेमी कंडक्टर डिवाइस क्या है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ लिख सकते हैं पीएन जंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हम आपको ये काफ़ी रिलीफली बताएंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो पीएन जंक्शन डायोड, बीजेटी
और FET, VJT, FET, SCR, IUJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है हम आपको पैसिव देते हैं। देखिए पैसिव में क्या एग्जांपल है, मतलब जो ये क्या कानून है कि जो इसका सिग्नल को जो है स्टूडेंट एम्पलीफाई ना कर पाए और जो है प्रोसेस ना कर सके। तो पैसिव कंपोनेंट को चलिए हम देखते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स में जो आपका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या है, एक रेजिस्टेंस आपका ये एल होगा, इंडक्टेंस ये क्या है कैपेसिटेंस, मतलब RLC। उसके बाद जो है आपका ट्रांसफार्मर भी सेम हो जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट जो है यहाँ पे सोर्सेस भी जो है, सोर्सेस भी स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे वो क्या है, VD सोर्स है, वोल्टेज सोर्स जो आप बोलते हैं, और एक आप क्या कहें करेंट सोर्स होता है, करेंट सोर्स। आज स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम चलिए देखते हैं अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक्स वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जान लेंगे तो अच्छी बात है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, हम देखते हैं ये आप जो है जूनियर क्लासेस में भी देखे होंगे। अगर हमें सेल्सियस टू केल्विन करना है, केल्विन करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जो है केल्विन, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273 जो हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये जो है आपका जो फार्मूला हो जाता है इसको चेंज करने के, अब सेल्सियस निकालना होगा तो ये क्या जाएगा केल्विन माइनस 273 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है एक और आपका जो है टेम्परेचर मतलब कन्वर्जन है टेम्परेचर का, एक है सेल्सियस और फारेनहाइट में, फारेनहाइट सेल्सियस व फारेनहाइट में स्टूडेंट जो है आपका ये कन्वर्जन है। तो उसमें आप क्या देखते हैं सेल्सियस मतलब ये इक्वल टू 5/9 F-32 लिख सकते हैं। अगर आप फारेनहाइट में से लिखना चाहें कि क्या लिखेंगे 32+9/5 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कन्वर्जन ये आपको जो है समझ में आएगा, इसके फार्मूले को काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके जानेंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद इसमें जो हम देखते हैं थर्मल इनर्जी क्या होता है, तापीय ऊर्जा, काफ़ी इंपॉर्टेंस टॉपिक है थर्मल इनर्जी। ये सारे टॉपिक्स आपको जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे मिलेंगे, इसलिए हम आपको जो है इसमें बता दे रहे हैं। थर्मल आपका थर्मल इनर्जी जो है स्टूडेंट्स होता क्या है, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा होता क्या है। यहाँ भी लिख सकते हैं आवेश वाहकों के स्वतः मूवमेंट के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, आवेश वाहकों के चार्ज कैरियर बोल सकते हैं, आवेश वाहकों के स्वतः मूवमेंट के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, उसे क्या बोलते हैं थर्मल एनर्जी बोलते हैं। मतलब आवेश वाहकों के स्वतः मूवमेंट, आवेश वाहकों के मूवमेंट के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसके हम थर्मल एनर्जी बोलेंगे, चार्ज कैरियर के जो है चार्ज कैरियर के द्वारा जो आपका जो स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है उत्पन्न हो रहा है, मूवमेंट के कारण जो आपकी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे हम थर्मल एनर्जी तापीय ऊर्जा बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थर्मल एनर्जी का स्टूडेंट जो है मैथमेटिकली एक फार्मूला है, हम देखिए आप ET बराबर K.T K×T। इसके बाद स्टूडेंट देखें हैं ये ET क्या है, ये ET क्या है आपका, ये जूल में इसका साइन मतलब जूल लिख सकते हैं जूल, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप दिखा सकते हैं, या आदमी करिए इसको ऐसे ना करिए, ये इसको दोबारा लिख देते हैं जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये K क्या है आपका, बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट है, क्या है बोल्ट्ज़मैन नियतांक बोल सकते हैं कांस्टेंट को, नियतांक बोल्ट्ज़मैन नियतांक
इसको आप लिख सकते हैं जूल पर केल्विन, केल्विन या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। इसके बाद स्टूडेंट जो है आपका ये टी तो आप जानते हैं क्या है, तापमान है या टेम्परेचर है, तापमान या फिर टेम्परेचर। आप स्टूडेंट्स आपको यह टी टी तापमान या टी या फिर कैसे दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम देखते हैं ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये इसमें जो है आपको वैल्यू भी दिया है, मतलब आप लिख सकते हैं 1.38 × 10⁻²³ टेम्परेचर पर केल्विन। आगे स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए के बराबर 1.38 × 10⁻²³ टेम्परेचर पर केल्विन। तो बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट का जो स्टूडेंट्स आपको ये दिया गया है। आगे स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा जैसे हमने देखा यहाँ तापीय ऊर्जा क्या होता है, आवेश वाहक के स्वतः मूवमेंट के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो है वो क्या है, थर्मल एनर्जी है या तापीय ऊर्जा है। चार्ज कैरियर के मूवमेंट के कारण जो ऊर्जा आपकी उत्पन्न हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी बोलेंगे। जैसा हमने यहाँ देखा ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ET बराबर KT। अभी इसके आगे काफ़ी हम देखते हैं, काफ़ी आपको ये फार्मूला रिलेट करके बताएंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं हम थर्मल वोल्टेज क्या होता है, ये भी एक प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंस टर्म है थर्मल वोल्टेज। तो चलिए उसको देखते हैं, देखते हैं जो थर्मल वोल्टेज होता क्या है। तो यहाँ लिखते हैं थर्मल वोल्टेज जो है आपका होता क्या है, इसको हम हिंदी बोलते हैं तापीय विभव। क्या है, तापीय वोल्टेज क्या होता है, विभव होता है हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तापीय विभव। टी से दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, किससे, VT से। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं तापीय विभव क्या है, तापीय विभव आप समझ सकते हैं तापीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होने वाली वोल्टेज, तापीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होने वाली वोल्टेज। तो यहाँ लिख सकते हैं तापीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होने वाली वोल्टेज क्या है, तापीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होने वाली वोल्टेज जो है आपका क्या कहलाती है, तापीय विभव कहलाता है। जैसे आप जानते हैं VT बराबर लिख सकते हैं आप तापीय ऊर्जा क्या था, ET/Q लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप ET जैसे जानते हैं पढ़े थे, ET क्या लिख सकते हैं, KT/Q। इसको आप इसके असाइनमेंट के लिखेंगे क्या लिखेंगे, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम स्टूडेंट जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या, तापीय विभव क्या होता है, तापीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होने वाली वोल्टेज। आई होप आपको इतना समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए जो है हम आपको तापीय ऊर्जा पढ़ाए थे उसके बाद तापीय विभव बताए हैं। जो है एनर्जी बैंड गैप और एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन गैप, इसको भी हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एनर्जी बैंड गैप ये काफ़ी दो तीन नाम से जाना जाता है, एनर्जी बैंड गैप, फिर एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप स्टूडेंट जो है इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझने के लिए आप समझिए, एक होता है वैलेंस बॉन्ड, एक होता है कंडक्शन बॉन्ड, और बाउंड है बैंड, वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आप चलिए देखते हैं कि वैलेंस बैंड जैसे स्टूडेंट्स, ये आपको ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल जिसको हम जो है स्टूडेंट्स EC से दिखाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट जो है बीच वाला ये नीचे वाला ये क्या है, वैलेंस बैंड होता है, क्या होता है, वैलेंस बैंड एनर्जी
लेवल, इसको हम क्या लेते हैं, ईवी, ईवी सिस्टम जो है हम इसको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स पाए जाते हैं, अभी होल्स बताएंगे हम आपको क्या होता है। यहाँ क्या होता है, होल्स, हमेशा जो है यहाँ पे होल्स होते हैं, होल्स, ये जो आपके होल्स हमेशा लिख सकते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। होल्स आपका जो स्टूडेंट्स हमेशा कहाँ होता है, वैलेंस बैंड में होते हैं। ये स्टूडेंट्स जो बीच का है आपका, ये क्या है, फॉरवर्डन गैप है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इसको आप लिख सकते हैं ई जी, तो गैप है स्टूडेंट्स ये गैप का, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, ई जी बराबर ई सी, मतलब ये कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड। आगे स्टूडेंट्स आपको ये समझ आएगा, एक रिलेशन है स्टूडेंट्स कि ई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन पॉइंट टी, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे ई जी उतना जो है बढ़ जाएगा। ये जो अगर आप ई जी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप समझ लेंगे, एक को बढ़ाएंगे तो घट जाएगा और एक को घटाएंगे तो एक बढ़ जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है ये हम देखते हैं कि अर्धचालक जो होते हैं सेमी कंडक्टर पदार्थ के जो है उनके गुण क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थ, पदार्थ व उनके गुण, उनके गुण, अर्धचालक पदार्थ व उनके गुण। तो ये एक प्रकार समझिए, अगर हम ठोस अवस्था की बात करते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर की, लिख सकते हैं ठोस अवस्था, या फिर अगर हम सॉलिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक होता है आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या फिर एमॉर्फस स्ट्रक्चर, एक होता है आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, व्यवस्थित संरचना बोल सकते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वो रेगुलर में होते हैं या पीरियोडिक होते हैं, क्या होता है, रेगुलर होते हैं या फिर पीरियोडिक होते हैं। और एमॉर्फस में आप जो है इसका अपोजिट समझ सकते हैं, ये क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं और रेगुलर या फिर पीरियोडिक होते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने क्यों बताया आपको, ये इंपॉर्टेंस ये है आपका क्रिस्टलाइन का, ये तो एमॉर्फस है, एमॉर्फस एमॉर्फस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। ये स्टूडेंट जो है आपका, ये हम इसलिए बताएं क्योंकि ये जो सेमी कंडक्टर है, अभी आप सेमी कंडक्टर पढ़ने वाले, इसलिए हम धीरे धीरे रिलेट कर रहे हैं उसे। सेमी कंडक्टर की संरचना, संरचना जो होती है, संरचना जो होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होती है। सेमी कंडक्टर की जो संरचना होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम लिखते हैं तत्वों का वर्गीकरण। अब हम आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पे। अगर हम लिखते हैं तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, तब स्टूडेंट जो है आपका क्या आ जाएगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, क्या आ जाएगा, कंडक्टर या फिर चालक, और इंसुलेटर मतलब कुचालक, इंसुलेटर, और एक होता है अर्धचालक, अर्धचालक या फिर जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ये क्या होता है आपका कुचालक, ये क्या होता है आपका चालक, कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स ये जो अर्धचालक है, अब हम अगले टॉपिक से यहाँ से स्टूडेंट जो है आपके इसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ तक हम आपको इसलिए बताए स्टूडेंट कि अभी हमने जितना बताया आपको उतना जानना काफ़ी इंपॉर्टेंस था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।